अध्यात्म इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रणधीर और आज के इस वीडियो में वृंदावन के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वृंदावन में कई ऐसे आकर्षक केंद्र हैं जो भारत ही नहीं दुनिया भर में रहने वाले कृष्ण भक्तों को हर साल अपनी ओर खींचते हैं। चलिए इन्हीं आकर्षक केंद्रों के नज़ारों से रूबरू होते हैं। प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के निर्माण में 11 साल का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने मिलकर बनाया था। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्पकला के पुनर्जागरण का एक नमूना है। इस्कॉन मंदिर। 1975 में बने इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर ठीक उसी जगह पर बना है जहां आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण दूसरे बच्चों के साथ खेला करते थे। बांके बिहारी मंदिर। वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जिसे प्राचीन गायक तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास ने बनवाया था। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर में राजस्थानी शैली की बेहतरीन नक्काशी की गई है। निधि वन मंदिर। निधि वन मंदिर भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध लीला स्थलियों में से एक है। यह धार्मिक नगरी मथुरा में वृंदावन के प्रसिद्ध स्थलों में से है। श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान ललिता सखी के अवतार रसिक संत संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी महाराज की यह साधना स्थली रही है। मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में स्थित एक वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। निर्माण के समय और शिल्पियों के संबंध में कुछ जानकारी नहीं है। प्रचलित कथाओं में आता है कि रामदास खन्नी व्यापारी की व्यापारिक सामान से लदी नाव यहाँ यमुना में फंस गई थी जो मदन मोहन जी के दर्शन और प्रार्थना के बाद निकल गई। केसी घाट। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन में ही भगवान कृष्ण ने बचपन का अधिकांश समय बिताया था। इसी मान्यता के अनुसार केसी घाट पर ही भगवान कृष्ण दुष्ट राक्षस केसी से लड़े थे और अपने मित्रों व समुदाय को उनकी दुष्टता से बचाया था। आज भी केसी घाट इस घटना को अपने हृदय में समाये हुए विराजमान है। गोविंद देव जी मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में स्थित वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। मंदिर की भव्यता का अनुमान इस उदाहरण से लगाया जा सकता है कि जब औरंगजेब ने शाम को टहलते हुए दक्षिण पूर्व में दूर से दिखने वाली रोशनी के बारे में जब पूछा तो पता चला यह चमक वृंदावन के वैभवशाली मंदिरों की है। श्री वृंदा कुंड। वृंदा कुंड वही जगह है जहां वृंदा देवी रोज बैठकर राधा और कृष्ण द्वारा बिताए जाने वाले दिनों के बारे में विचार करती थी। यहां स्थित मंदिर में वृंदा देवी की एक सुंदर प्रतिमा भी स्थापित है। पागल बाबा मंदिर। मथुरा से वृंदावन के मार्ग में फूल की आकृति में एक विशाल संगमरमर का मंदिर है जो देखने में काफी सुंदर है। इसे पागल बाबा का मंदिर कहा जाता है। 10 मंजिला इस विशाल मंदिर की सुंदरता में आप खो जाएंगे। कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर गोवर्धन से लगभग 2 किलोमीटर दूर राधा कुंड के निकट स्थापत्य कला के नमूने का एक समूह जवाहर सिंह द्वारा अपने पिता सूरजमल की स्मृति में बनवाया गया। 1675 से पहले यह कच्चा कुंड था जिसे ओरछा के राजा वीर सिंह ने पक्का कराया। उसके बाद राजा सूरजमल ने इसे अपनी रानी किशोरी के लिए बाग बगीचे का रूप दिया और इसे अधिक सुंदर और मनोरम स्थल बना दिया। तो दोस्तों यह थी जानकारी वृंदावन के मंदिरों के बारे में। यदि आप कभी वृंदावन जाएं तो इन मंदिरों में जरूर जाएं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। दोस्तों इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।